बिग बॉस 14 में इजाज खान और पवित्रा पुनिया के बीच पनपा प्यार अब हर किसी की जुबान पर है। इजाज खान निजी कारणों के चलते शो से बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके और पवित्रा पुनिया के बारे में ही बात करते हैं। इजाज खान ने बीते दिन ट्विटर पर हैशटैग आस्क इजाज नाम का चैट सेशन रखा था, जिसमें उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे एक फैन ने पूछ लिया कि पवित्रा पुनिया उन्हें क्या कहकर पुकारती है। बस फिर क्या था, इजाज खान ने हंसते हुए इस बात का खुलासा कर दिया कि उनके दिल की मलिका उन्हें किस नाम से पुकारती है। हैशटैग आस्क इजाज के दौरान फैन ने ट्वीट करके पूछा था, पवित्रा पुनिया ने आपको खान साहब और जिल्ले इलाही दो निकनेम दिए हैं, आपको इनमें से कौन सा पसंद है, या फिर वो आपको कुछ और कहकर पुकारती हैं? इजाज खान ने जवाब देते हुए कहा कि पवित्रा पुनिया उन्हें खान साहब कहती हैं। पवित्रा पुनिया किस अंदाज में इजाज खान को खान साहब कहकर पुकारती होंगी, दोनों के फैंस अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। इजाज खान और पवित्रा पुनिया के रिश्ते के बारे में बात करें तो ये केवल बिग बॉस 14 तक ही सीमित नहीं दिख रहा है। ये दोनों इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हैं। इजाज खान और पवित्रा पुनिया दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। खबरें हैं कि इजाज खान के परिवार ने पवित्रा पुनिया से मुलाकात भी की है और उन्हें वो काफी पसंद भी आई है। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।